काफी लंबे टाइम बाद में जैसे स्कूल रीओपन हुई है, इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की 9th to 12th की क्लासेस स्टार्ट हुई है। मैं अपने स्टूडेंट से पूछना चाह रही हूँ, उन्हें कैसा फील हो रहा है इतने लंबे टाइम बाद में जब वो स्कूल आए हैं? मैम, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम 10 महीने बाद फाइनली स्कूल आए हैं और हमारी क्लासेस अब रेगुलर होगी। और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ, जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला था कि कोरोना की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से ये गाइडलाइन का पालन किया है और स्क्रीनिंग हो रही है सभी बच्चों की और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी बच्चे अंदर आ रहे हैं। और हम लोग बहुत ही खुश हैं कि वापस हमारी क्लासेस चलेगी और हमें सारे टीचर्स जिस तरह से पहले पढ़ाते थे उस तरह से पढ़ाएंगे। थैंक यू। आपको भी सारे जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना है। ओके, थैंक यू बेटा। अब हम बता रहे हैं आपको क्लास 12th के आर्ट्स के स्टूडेंट कैसे बैठे हैं, हमारी क्लासेस किस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से बैठ रही है। आप देख सकते हैं, मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कैमरे को एक बार चाहो तो से घुमा के बताए कि किस प्रकार हमने स्कूल में व्यवस्था बना के रखी है। कोविड को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो हमें गाइडलाइन दी थी पूरी तरह से उसका पालन किया जा रहा है, ताकि पेरेंट्स जो है वो बेफिक्र होकर अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को स्कूल भेज सके और उनकी स्टडी रेगुलर हो सके। तो मैं यह पूछना चाहूंगी स्टूडेंट से, पुखराज तुम बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है इतने लंबे टाइम से स्कूल आए हो? वो बहुत अच्छी वो सोशल डिस्टेंसिंग हुई है और मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा होगा। आपको किसी तरह का डर नहीं है? नहीं, किसी डर का डर नहीं। किसी तरह का डर नहीं है? नहीं। आपकी क्या एंट्रेंस में आपकी क्या स्क्रीनिंग की गई थी? स्क्रीनिंग की गई थी। सैनिटाइजर वगैरह आप साथ लेकर आए हो? नहीं, वो लगा के आया था। आपको ध्यान रखना है, सभी को अपना एक सैनिटाइजर वाटर बॉटल आपको अपनी पर्सनल रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। वैसे तो आपको स्कूल की तरफ से गाइडलाइन का एक प्रिंट आउट निकाल के दिया होगा, आप सभी को उन सारी चीजों का रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। ओके, बैठो बेटा। हाँ रितिका, तो तुम बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है इतने लंबे टाइम से तुम स्कूल आए हो? क्या किसी तरह का डर है तुम्हारे मन में अभी भी? क्या तुम चाहते थे कि अभी कुछ और छुट्टियां हो जाए, या वाकई में चाहते थे कि स्कूल रीओपन हो जाए जल्दी से जल्दी और हमारी स्टडी प्रॉपर हो जाए? ताकि स्कूल रीओपन होगी तभी तो हमारी स्टडी होगी। और हम चाहते थे कि स्कूल रीओपन हो जाए। यस मैम। तो आप देख सकते हैं कि सारे स्टूडेंट हमारे स्कूल की व्यवस्था से सेटिस्फाई हैं और वाकई में स्कूल ने गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए बच्चों को किस प्रकार उनकी प्रॉपर स्टडी की जा सके ये बताया गया है। आप देख सकते हैं आराम से, मैं और भी क्लासेस में आपको बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार वहाँ पर डिस्टेंस को मेंटेन किया गया है और बच्चों के लिए पूरी प्रॉपर व्यवस्था की है स्कूल डिपार्टमेंट में। लक्षिता जी, आप बताइए किस प्रकार गवर्नमेंट की जो हमें गाइडलाइन स्कूल को दी गई है किस प्रकार हम उसको फॉलो कर रहे हैं प्लीज? मैम, हर एक चीज का ध्यान रखा गया है प्रॉपर तरीके से। एंड जहाँ तक बात करें हम लोग, सभी बच्चों की स्क्रीनिंग हुई है स्कूल में आने से पहले एंड सभी लोगों ने आप देख सकते हैं मास्क पहन रखा है एंड सोशल डिस्टेंसिंग का हमने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है। थैंक यू मैम। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।